अच्छा जी, आज हमारा फिफ्थ लेक्चर है बुक स्ट्रैप का, एंड इसमें हम पढ़ेंगे पैनल्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पैनल्स में चलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो इसकी लिए जो क्लास है ना, पैनल के नाम से ही है। किस नाम से है? पैनल। आप यहाँ पे लिखोगे किसी भी टेप को, आप यहाँ पे नाम दोगे, क्लास दोगे पैनल की, तो वो कुछ इस तरीके से पैनल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। रन पे क्लिक कर इसको, सिंपली आप ये देख रहे हो जो बॉक्स क्रिएट हो रहा है ये बनाने के लिए, ठीक है। सिर्फ एक बॉक्स पूरा लगेगा। हाँ, सिर्फ एक बॉक्स बनाने के लिए, दूसरा बनाना है इसको कॉपी करो, पेस्ट कर दो, ठीक है। अच्छा, अभी तो ये सिर्फ एक पैनल आपने देखा है, अभी ये आपको बिल्कुल उसी तरह से लग रहा होगा जिस तरह आपने वेल पढ़ा था, पता ना। अगर आप इसको वेल की क्लास दे देते हो, मतलब मैं नीचे एक वेल क्रिएट कर लेता हूँ, वेल हाँ। अच्छा, वेल की क्लास में ये किस तरह से आ रहा है? थोड़ा कुछ इस तरह से है, ठीक है। पहली जो चीज़ इसका आप देख रहे हो, बैकग्राउंड कलर चेंज है थोड़ा सा, बड़ा मेरे ख्याल से आ रहा है पैनल बॉडी, या शायद हो सकता है डिप्टी वेस सप्लाई हो रहा हो, मतलब उसका अपना साइज इतना नहीं है उसको। फिर आप वेल एल जी, वेल एस एम, वेल अच्छा जी, बल, ये इसका एक्चुअल साइज है। और दूसरा आप देख सकते हो दोनों में डिफरेंस है, अभी भी दोनों के सिर्फ कलर का डिफरेंस था तो वो वेल के अंदर ही की तरह एडजस्ट कर लिया जाता सकते हैं जितना इसका है। हाँ, जितना इसका एरिया है उसमें फिर वॉइस ऐसा नीचे आता रहेगा, हाइट ज़्यादा होती रहेगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि इसका अगर सिर्फ कलर चेंज करने की बात होती तो उनको अलग क्लास बनाने की जरूरत क्यों पड़ी पैनल? बेसिकली वेल जो है ना, वो आप जिस तरह देख रहे हो इसी तरह से ही रहेगा, लेकिन जो पैनल है उसमें आप हेडिंग एंड बॉडी भी डाल सकते हो। जिस तरह के देखो, ये पूरा एक पैनल क्रिएट हुआ है, इसमें क्या है, ऊपर एक हेडिंग आ रही है, नीचे जो है वो एक पैराग्राफ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर भी मिलता है, क्वेश्चन आंसर मतलब जो आप एफएक्यूज की बात कर रहे हो, फाइवर में आप देखते हो, फाइवर में जो आप देखते हो वो भी पैनल से ही बनता है, बनता वो पैनल से ही है, लेकिन उसको बोला जाता है क्लैप्स। फाइवर वगैरह में जब आप किसी भी गिग के ऊपर जाते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपनी प्रोफाइल ओपन करके किसी गिग में ले जाता हूँ आपको, अच्छा देखो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ एंड उनकी बात आप कर रहे थे, इस पर क्लिक किया तो ये ओपन हो गया, क्लिक किया तो ओपन हो गया। ये बेसिकली क्लैप्स बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? क्लैप्स। पैनल है इसी तरह से लेकिन वो ओपन रहेगा, क्लैप्स बनाने के लिए पैनल की ही जरूरत पड़ती है। आगे एक और क्लास पड़ी थी पहले, क्लैप्स वो वाला कर पहले पड़ी थी सीएसएस में क्लास, वो बॉर्डर क्लैप्स आपने पढ़ा था। हाँ, बॉर्डर क्लैप्स, बॉर्डर टेबल के बॉर्डर को सिंगल करने के लिए, ठीक है। अच्छा, पर बूटस्ट्रैप क्लैप्स इसको हम देख लेते हैं बाद में, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं पैनल को ही। सो मैं यहाँ से अगेन पैनल्स में आ रहा हूँ। पहली चीज़ आपको समय लगी पैनल बनाने के लिए, आप दोगे क्लास पैनल की और पैनल डिफॉल्ट की क्लास दोगे ताकि इस पर वो बाय डिफॉल्ट सिल्वर जो कलर है वो अटैच हो जाए। पैनल बॉडी लिखोगे इसके अंदर, उसके अंदर जो भी आपने पैराग्राफ वगैरह जो कुछ भी इमेजेस वगैरह लगानी है, कुछ भी जो भी आप चीज़ डिफाइन करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया काम, आगे चलते हैं। आगे अब हेडिंग देनी है तो उसके लिए आप एक और टिप बनाओगे इस पैनल के अंदर, उसका क्या नाम रखोगे? पैनल हेडिंग। इसके अंदर जो भी आप दोगे वो हेडिंग की तरह से आएगा, ठीक है। फुटर एग्जैक्टली जिस तरह आपने हेडिंग ऐड की उसी तरह से आपने फुटर भी ऐड कर दोगे। फुटर ये है कि नीचे आएगा, काम वही है अभी आप देख रहे हो। अच्छा, इसके अंदर फुटर लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वो फुटर में जाकर बनेगा? नहीं, आपसे आपकी मुराद ये है कि अगर मैं यहाँ से फुटर को कट करता हूँ, कट करके मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ फिर भी वो नीचे लगेगा? हाँ, सही है। ऐसा नहीं होगा, आपको नीचे ही लिखना पड़ेगा तरतीब से, ठीक है। हेडिंग, फुटर एंड बॉडी, ठीक है। बॉडी के अंदर मैंने आपको बताया इमेजेस पैराग्राफ हर चीज़ लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। पैनल ग्रुप क्या है? पैनल ग्रुप पहले आपने पढ़ा पैनल, वो डिफरेंट पैनल्स थे, अभी है पैनल ग्रुप। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखोगे एक डिव बनाई गई है पैनल ग्रुप के नाम से, उसके अंदर एक पैनल, ये दूसरा और ये तीसरा, तीनों को रख दिया गया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से पैनल ग्रुप को ख़त्म कर देता हूँ तो आप देखते हैं क्या होता है। देख रहे हो थोड़ी स्पेस ऐड हो रही है सब में, स्पेस है, थोड़ी दूरी दूरी से आ रहे हैं, इनको पास करना है, पैनल ग्रुप लिखेंगे तो मर्ज ग्रुप कर देंगे,
अब ये तीनों आपस में ग्रुप हो चुके हैं, क्लियर है। अब एक थोड़ा सा आपको सीन वही वाला बन रहा होगा जो आपने FAQs में देखा, FAQs वाले पोर्शन में, लेकिन स्टिल वो खुद ब खुद उसकी बॉडी ओपन नहीं होती, इसकी बॉडी आपके सामने ओपन है। उसकी बॉडी क्या है कि जब आप क्लिक करोगे इसकी हेडिंग के ऊपर फिर ओपन होती है। पैनल विद कॉन्टेक्चुअल क्लासेस, कॉन्टेक्चुअल क्लासेस कौन सी होती हैं? प्राइमरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, मेजर, सो वो सारी क्लासेस आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको सिंपल जिस तरह आपने पैनल डिफॉल्ट लिखा इसी तरह से पैनल प्राइमरी मेजर सक्सेस सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा ड्रॉप डाउन्स पे चलते हैं आगे, ड्रॉप डाउन्स पैनल क्लियर है। अच्छा पैनल क्लियर है, समझ लगी। अब हम चलते हैं ड्रॉप डाउन की तरफ, ठीक है। ड्रॉप डाउन आपने देखा था लास्ट टाइम भी, आई थिंक आपने किया था जब आप पढ़ रहे थे बटन, बटन के अंदर आपने देखा था ड्रॉप डाउन, ये वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, बट उन्होंने एक अलग से हेडिंग बना ली है, ठीक है। तो हमारी एक हिसाब से रिव्यू नहीं होगी इसमें, आई थिंक इसमें था ये देखो ये एक बटन है, जब इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेन्यू बार ओपन हो रही है। किस तरीके से है ये, उन्होंने एक बटन क्रिएट किया और इसको किस किसके अंदर रखा है बेसिकली, ड्रॉप डाउन के टाइप का बटन को, हाँ। और ये बटन पता है कौन सा है? ये बटन है ये वाला जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, इसके एग्जैक्टली बाद ये। अच्छा एक और चीज़, ये मेरा क्वेश्चन है मोहसिन आपसे, ये कैरेट लिखा हुआ है क्लास उस पर, ये इससे क्या हो रहा है? आपने आगे पढ़ा हुआ है ड्रॉप डाउन कैरेट वाला, हाँ बटन भी है, ठीक है। बटन के बाद सेम उसके बाद जहाँ पे वो खत्म हो रहा है उसके बाद उन्होंने एक यूएल डिफाइन कर दिया। इस यूएल को क्या क्लास दी है? ड्रॉप डाउन मेन्यू HTML CSS JavaScript सारा कुछ इसमें लिख दिया जो वो चाहते हैं, इस पर क्लिक होने पर आपको सामने शो हो, ठीक है। अब इस पर क्लिक हो रहा है और ये देन शो हो रहा है, ये वाली जो फंक्शनैलिटी है वो इसके थ्रू हो रही है, डाटा टगल इक्वल्स टू ड्रॉप डाउन। अगर मैं 1 मिनट के लिए इसको ख़त्म कर देता हूँ तो अब आप देखोगे इस पर क्लिक करने पर कुछ भी नहीं होगा, करना होता है अच्छा अभी के लिए ये नहीं चल रहा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डाटा टगल इक्वल्स टू ड्रॉप डाउन लगा दूंगा एंड देन जब इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो अब आप देख रहे हो, ठीक हो गया काम, समय लगी इस चीज़ की। आगे चलते हैं नीचे, डिवाइडर। डिवाइडर बेसिकली क्या है? जिस तरह भी आपने ऊपर एग्जांपल में देखा, इस पर क्लिक करते हैं, जो लाइन लगी हुई है दरमियान में इसे क्या बोलोगे? डिवाइडर। कैसे लगाना है? सिंपली हाँ, मतलब यहाँ पे देखो आप एल आई डिफाइन कर रहे थे, इसके अंदर ए टैग था और इसके अंदर आप जो भी अपना वो था HTML से जो भी लिंक्स थे वो आप यहाँ पे लिख रहे थे, लेकिन अब की बार आपने किया एक अलग बना दी जिसको क्लास दे दी डिवाइडर पे, उससे क्या हुआ? लाइन आ गई, ठीक है। डिवाइडर का सिर्फ आने मतलब लात की होता ना, हाँ सिर्फ आने में काम करेगा, हाँ अलग में ही काम करेगा। अच्छा आगे है ड्रॉप डाउन हेडर। ड्रॉप डाउन हेडर से क्या मुराद है देखो, जस्ट लाइक ये तीन आइटम्स है ना, उनकी उन्होंने एक हेडिंग दी हुई होगा, नीचे वाली एक आइटम है उसको एक और हेडिंग दी हुई है। ये आप किस तरह से दोगे? सिंपल इसके लिए भी आप एल आई ही क्रिएट करोगे, उसको आप क्लास दोगे ड्रॉप डाउन हेडर, ड्रॉप डाउन दोबारा इसके लिए दोबारा एक ड्रॉप डाउन हेडर क्लिक कर रहा हूँ ना, ये देखो ड्रॉप डाउन हेडर 2 लिखा हुआ है। अच्छा ये यहाँ पे शो हो रहा है ड्रॉप डाउन हेडर हेडिंग आ रही है। अच्छा ड्रॉप डाउन हेडर 1 का कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा और वो क्लिकेबल भी नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक हो गया, वो बस बताने के लिए इसमें ये चीज है। हां ठीक हो गया। अच्छा डिसेबल एंड एक्टिव आइटम्स, इसका आपको आइडिया होगा कि जिस चीज़ को हमने डिसेबल करना है उसको डिसेबल कर देंगे, उसको एक्टिव करना है उसको एक्टिव कर। हाँ जी ये देखो डिसेबल किया था, फिर डिसेबल हो रही है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट, ठीक है। नॉर्मल नॉर्मल ही नॉर्मल तीर ही होगा ऐसे ही। देखो क्लास इक्वल्स टू डिसेबल, क्लास इक्वल्स टू एक्टिव। अच्छा ड्रॉप डाउन पोजिशन,
मतलब कि आप अभी जब इस पे क्लिक कर रहे थे तो ये नीचे को आ रही थी ड्रॉप डाउन। अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि राइट पे आए, क्या अच्छा पीछे राइट साइड पे आ रही है, ठीक है ड्रॉप डाउन मेन्यू राइट, ड्रॉप डाउन मेन्यू राइट कि आप क्लास दोगे उसकी मदद से क्या होगी ये साथ आ जाए यूएल को, ठीक है दे दो, ठीक है कितनी राइट साइड पे जाइए नहीं है मार्जिन का डाइन उन्होंने खुद ही दिया, उन्होंने खुद ही दिया। हां ड्रॉप अप करोगे तो क्या होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर को आएगा ड्रॉप टॉप, ओ अप, ठीक है ट्राई डिसन करते हैं ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन को مزید डाउन भी कर सकते हैं, नहीं ड्रॉप डाउन ऑलरेडी थी जो आप देख रहे थे नीचे को आ रही थी, ड्रॉप अप करोगे ड्रॉप डाउन की जगह पे लेफ्ट की भी नहीं है राइट की है सिर्फ, लेफ्ट पे तो ऑटोमेटिकली होती है, लेफ्ट पे तो इंग्लिश शुरू भी यार सही सा तो ऑलरेडी आ रही बस किया गया। अच्छा ड्रॉप डाउन की क्लास ये वाली चेक करते हैं, इसमें क्या बनाया, ये देखो ट्यूटोरियल्स पे क्लिक करता हूँ, HTML CSS JavaScript अबाउट अस, दरमियान में एक आ रहा है डिवाइडर, ठीक है अब इसका आपको आइडिया हो गया किस तरह से चल रहा है, ड्रॉप डाउन बटन डिफॉल्ट ड्रॉप डाउन टगल, फिर उसके बाद ये डाटा टगल इक्वल्स टू ड्रॉप डाउन, कैरेट की आइकॉन आ गई ये वाली, फिर उसके बाद ये एल आई आ गया जहाँ पे हमें शो करवाया गया, ठीक है यू एल एल आई कर लेना। अच्छा बूटस्ट्रैप कोलैप्स में जा रहा हूँ, बूटस्ट्रैप कोलैप्स, कोलैप्स बेसिकली वही चीज़ है जो आपको भी बताया FAQs वाला, क्लिक करता हूँ शो हो रहा है, इस पर जावास्क्रिप्ट लगी होगी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट लगी है ना, जावास्क्रिप्ट इस पर भी लगी हुई थी, स्क्रिप्ट का टैग लगा, स्क्रिप्ट को छोड़ दो, ये जो डाटा टैग लिखा हुआ है ना ये बेसिकली इनकी जो बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट वाली फाइल आप अटैच करें, ये HTML का कोई भी एट्रीब्यूट इस नाम से है ही नहीं है, ये बूटस्ट्रैप वालों ने खुद से एक एट्रीब्यूट बनाया हुआ है, आप जावास्क्रिप्ट में कोई नया एट्रीब्यूट बना के उसको यूज़ कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट पे तो ऑन क्लिक ऑन फॉरवर्ड मैं बताता हूँ ना, जब आप यहाँ पे डाटा टेगल दे देते हो ना ड्रॉप डाउन तो वो ऑटोमेटिकली JS वाला फंक्शन काम करने लग पड़ता है ड्रॉप डाउन में, वो ऑलरेडी इनकी जो बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट वाली फाइल उसमें पड़ा हुआ है वो यहाँ पे लग जाता है। इस टाइम पे ये डाटा टेगल में से ड्रॉप डाउन में से सिर्फ डाटा उठाने का काम कर रहा है, ये डाटा उठाने का क्या मतलब, मसलन कि इस मसलन एल आइकॉन निकला दी हुई है ड्रॉप डाउन, हमने यहां पे इसकी क्लास ये काम कर रहा है कि ये जो भी ड्रॉप डाउन के ऊपर फंक्शनैलिटीज ऐड होती है ना, हां जी जो इनने डिफाइन कर रखी है ऑलरेडी, वो नहीं आपको पता क्या किए क्या नहीं, वो इस पे अप्लाई कर देता है इस ड्रॉप डाउन के ऊपर, ठीक है सिर्फ ये डाटा टगल ड्रॉप डाउन के लिए दिया भाई इन्होंने कि हम और नहीं नहीं डाटा टगल जस्ट लाइक अब आप यहां पे टूल टिप्स बनाते हो तो डाटा टगल इक्वल टू टूल टिप आ जाता है, अब ये आप कोलैप्स पढ़ रहे हो ना तो डाटा टगल इक्वल टू कोलैप्स आ जाएगा, ठीक है ये तो है लगी ये वाली ये डिव काम डिव के अंदर टिप ना ये जो लाइन लगाई है उन्होंने ये बॉर्डर दिया हो बॉर्डर अच्छा वन साइड बॉर्डर बॉर्डर लेफ्ट साइड अच्छा ये देखना यहाँ पे ना इन्होंने एक बटन क्रिएट किया है सिंपल कोलैप्सिबल, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये शो हो रहा है, दोबारा क्लिक करता हूँ तो हाइड हो रहा है, ठीक है ये वाला काम कर रहा है, नेक कोलैप्स पड़ा वो वाला बहुत से कोलैप्स अभी हमने तो जो पहले कोलैप्स वाटर कोलैप्स जिन्हें वो तो पहले पड़ा था ना एक और भी कोलैप्स बीएस कोलैप्स पड़ा हां नहीं था पिछले कर थोड़ा या मत अंदर मेरी नहीं याद भी यार एक उम्र में साजी तो पड़ेया की होया भी जिन्ना नाल पे दे की होया नाल पे इन उत्ते करे उत्ते के मैं जांदा पेजिनेशन थल्ले करे थोड़ा ए जे बीएस कोलैप्स यार की हो गया किस पेज में मैं खड़ा किस पेज पे खड़ा अच्छा ओदे विच जी शाख केड़ी शाख मतलब बीएस कोलैप्स दी ए शाख है ये बेसिक कोलैप्स है ए ओदा पेज हैगा शाख नहीं है की तो यार कुछ करने के लिए किथे पहुंचे ना मैं बनाया था सही में कौन अच्छा कोलैप्स में बेसिकली क्या हो रहा है यहां पे हमने एक बटन क्रिएट किया टाइप इक्वल्स टू बटन इसको हमने क्लास बिटियन बिटियन इनफो दी जिसकी मदद से ये शो हो गया इस पे डाटा टगल ने अब क्या लगाया अच्छा मोहसिन अब तुम बताओगे कि पैनल्स के अंदर जो बटन था उसके ऊपर डाटा टगल क्या था
डाटा टगल का जब उस पर क्लिक करते हैं तो नीचे से उसका जो डाटा टगल की जो वैल्यू है वो क्या थी, मैं ये पूछ रहा हूँ। डाटा टगल की वैल्यू कोलैप्स है ना। हाँ जी कोलैप्स में यही होगा कि उस पर जब क्लिक करेंगे तो वो उसका, मुझे तो पता है इस चीज़ का, मैं ये बताने की जरूरत नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ पैनल्स के अंदर हमने वहाँ पर भी यही वाला सेम वेरिएबल पड़ा था डाटा टगल, उसके अंदर यहाँ पे क्या वैल्यू थी? उसके अंदर ये कोलैप्स की वैल्यू नहीं थी। अच्छा अगर हम बात करें इसकी ड्रॉप डाउन की, इसमें पढ़ा था आपने, इसमें डाटा टगल की वैल्यू क्या थी? कोलैप्स ड्रॉप डाउन के अंदर, ड्रॉप डाउन के अंदर डाटा टगल कोलैप्स की वैल्यू नहीं, कोलैप्स नहीं था। क्या था वहां पे मुझे पता नहीं, वो तो क्या ही जावास्क्रिप्ट है ये अपना उन्होंने बनाया था। ड्रॉप डाउन की थी वहां पे, कोलैप्स नहीं ड्रॉप डाउन। अच्छा आगे चलते हैं, डाटा टारगेट। अभी एक नई चीज़ आई है, क्या है डाटा टारगेट? मतलब ना अब इसमें हमने ये बताना है कि भाई इस बटन पे क्लिक होने पे कौन सी डिप जो है, उसमें तो एक ही थी ना, एक ही ड्रॉप डाउन था, मतलब कि उस पर क्लिक कर रहे थे ठीक है। ड्रॉप डाउन क्या था बेसिकली, बटन के ऊपर जब हम क्लिक करते थे तो ड्रॉप डाउन शो हो जाता था, वो हमने उसी एक डिप के अंदर ही उसको रख दिया था यू एल एल ए को भी। इसमें क्या सिनेरियो हुआ है कि क्लिक करने पे कौन सी डिप ओपन होगी हमें बताना है, तो हम उस डिप को एक आईडी देंगे, जैसे लाइक यू कैन सी हमने क्या आईडी दिया हुआ है, डेमो। डाटा टारगेट के अंदर आप यहाँ पे उसका आईडी लिखोगे हैश के साथ, हैश डेमो। जब आप ये लिखोगे तो उसको पता है कि भी मैंने कौन सी डिप को शो एंड हाइड करवाना है, कौन सी डिप को करवाना है, डेमो वाली को। और डेमो वाली ये है लोरम इप्सम। अच्छा अगर ये डेमो को ये नीचे भी लिख दे तो फिर भी वो इसके साथ ही आगे शो होगी, मतलब मैं समझा नहीं। मतलब ये जब डिप है ना, अब ये सारा लोरम वाला पर, अब इसको हम कहीं और मतलब एंड पे लिख दें या काफ़ी चीज़ें करके एंड पे बता दें डेमो, कहीं भी बना दो। हाँ तो वो ऑटोमेटिक इसके नीचे बटन से ऊपर बनाई है ना, बटन से ऊपर बनाई ऊपर जाएगी। हाँ सिर्फ हाइट शो हो रही है, जा गई नहीं रही। ठीक है मतलब अगर आपने इसको देनी तो इसको नीचे ही देनी पड़ेगी, जिधर मर्जी दे सकते हो जा। अच्छा ये नीचे या ऊपर? ठीक है समय लगी इसी इसकी क्लियर। आगे यार चलते हैं इसमें, अब जो बात आप कर रहे थे ना वो वाला एफ ए क्यूज वाली, उस तरह का अगर हमने कोलैप्स बनाना है वो हम किस तरह से बना सकते हैं? कोलैप्सिबल पैनल, पैनल वर्ड याद है ये हमने भी पढ़ा था यहाँ पे पैनल। ठीक है ठीक है, पैनल क्या था भला? पैनल ये जो चीज़ बनी है इसको पैनल कहते हैं। इसमें हेडिंग थी, फुटर था, बॉडी थी और कुछ इस तरह से शो होता था, लेकिन ये बंद नहीं या क्लोज नहीं होता। अब कोलैप्सिबल पैनल मतलब कि ऐसे पैनल जिनको ओपन या क्लोज किया जा सके इस तरह से, ये आप किस तरह से बनाओगे? ये देखो इसके लिए भी रॉकेट साइंस नहीं है, पहले तो आप बनाओगे पैनल। क्या बनाओगे? इन्होंने पैनल ग्रुप क्रिएट किया, पैनल ग्रुप से क्या हुआ मैंने बताया था स्पेस उनकी थोड़ी कम हो जाती है, ऐसे ही बिल्कुल। अच्छा स्पेस कम हो गई, उसके बाद क्या हुआ? मतलब अभी तो यहाँ पे है ही एक कोलैप्स है ही एक पैनल है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एंड पता नहीं किधर हो रहा है, आई थिंक यहाँ पे, यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा अब इन्होंने क्या किया, ये जो कोलैप्सिबल पैनल लिखा हुआ है ये बेसिकली इस पैनल की हेडिंग में आ गया। पैनल हेडिंग पढ़ा था क्या? उसके अंदर एक ए का टैग लगाया, ए के टैग को उन्होंने डाटा टगल दिया है, और अब की बार इस पर क्या क्लास दी है? क्यों दी है? डब्बे के शो कराने हैं नीचे। अभी आपने ऊपर पढ़ा था डाटा टगल इक्वल टू कोलैप्स, हां जी, उसमें आपने डाटा टारगेट भी पढ़ा था, डाटा टारगेट ऑफ कोलैप्स मुझे डाटा पैरा के टारगेट किस डिव को बेसिकली ओपन या क्लोज करना। ठीक है अब ये देखो यहां पे हम दिया डाटा टगल इक्वल टू कोलैप्स, एचरेफ दे दिया इसमें हैश कोलैप्स 1। इसमें एचरेफ क्यों दिया है? इसमें डाटा टारगेट वो मैं बता रहा हूं, इसमें वो नहीं आएगा क्योंकि ये ए का टैग है, इसके ऊपर हमने ये वो ऐड किया हुआ है कि इसमें एचरेफ आप यूज करोगे। इस सेंस में जब आप इस तरह से कर रहे हो देन आप करोगे डाटा टारगेट, एक टैग के ऊपर करते हो तो एचरेफ। डाटा टगल बेसिक उस चीज के लिए किसी को आईडी या शो करवाने के लिए। हां डाटा टगल का मतलब यही है, हाइड एंड शो करवाना। ठीक है एच डेफ तो जो टाइम है एक तो क्या ए एच डेफ ये एक टैग। अच्छा एक टैग के अंदर डाटा टगल लिख। ठीक है अच्छा एच डेफ में उन्होंने क्या आईडी दी है कोलैप्स 1, नीचे एक डिप बनी आ रही है, इसको आईडी क्या मिली हुई है? तो
तो अब इस पे क्लिक करने पे कौन सी डिब्बू पर नीचे होगी क्लैप्स वन, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, बॉडी पड़ी हुई है, फुटर पड़ा हुआ है और आपको शो हो रहा है। ये बस क्लासेस आप दोगे ताकि ये प्रॉपर्ली काम करें, ठीक है। क्लैप्स वन जो हमने इसको दी है तो इधर किसको कहां पे दी है इसको, क्लैप्स वन ये क्लैप्स वन इसको दी है ना, तो ये तो एक न्यू टीम पे में दो, लेकिन इसके बीच में इसके अंदर आना क्या टेप हो गई, ए बंद हो रही टेप, ए न्यू टेप ओपन हो रही है, ए इतने बंद हो रही है, इतने बंद हो रही है, इतने बंद हो रही है, इधर बंद हो रही है, ये टेप खुली है, अच्छा ये इधर बंद हो रही है, ठीक है। मैंने पैनल क्लैप्स पैनल क्लैप्स टपल टपल क्लैप्स, ये देखो इसको मैं डाल दूँगा कुछ रन पे क्लिक करता हूँ, आप देख रहे हो अब क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट खुली हुई है ये। अच्छा, दोबारा इस पर क्लिक करूँगा तो फिर जो है वो वर्किंग करेगी, लेकिन जब मैं इसको रन करूँगा तो ये खुली हुई आएगी, जबकि हम नहीं चाहते तो हम ये वाली इसमें क्लास दे देंगे पैनल क्लैप्स और क्लैप्स की, इससे वो जितनी भी प्रॉपर्टीज क्लैप्स के ऊपर या पैनल क्लैप्स पे होती हैं वो सारी इस पर अप्लाई कर देंगे। ओके हो गया, आईडी दे दिया है शो करवाना, हां बाकी मैं समझे इथे दे रहे हैं तो थल्ले दे दी है। अच्छा देखो अब मैं एक और यहाँ पे ना FAQ फर्ज कर लो, ये FAQ है, ये हेडिंग लिखी हुई है और नीचे आपका वो लिखा हुआ है क्या बोलते हैं आंसर FAQ बोलते हैं, जिस तरह आपने फाइवर में भी देखा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को बोलते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, गिग के नीचे वो क्वेश्चन नहीं आ रहे होते। हाँ जी हाँ जी, दिखाऊँ क्या रन मैंने समझ लग गई है। अच्छा क्वेश्चन बने होते हैं उन्होंने क्लिक करो थे आंसर बॉक्स खुल जाता है। अब ये देखना मैं एक और ऐड कर रहा हूँ, अब देखना क्या होता है, यहाँ पे मैं कोलैप्सिबल पैनल को ही रहने देता हूँ, कर दिया कॉपी पेस्ट, अब इस पर भी क्लिक करूँगा ना ऊपर वाले का ही ओपन होगा, इस पर भी क्लिक करूँगा वही क्लोज होगा। अच्छा डाटा टारगेट ही वो हो रहा है, हाँ डाटा टारगेट हमें जो है वो चेंज करके 2 यहाँ पे करूँगा, कोई और इसको आई डी दे दूँगा जो भी है, इसको भी मैं चेंज कर दूँगा आई डी, दोनों 2 करते हैं तो इधर 1 है 1 ठीक है, इधर 2 क्लियर है ठीक। इस तरह से आप ये पैनल्स बेसिकली क्रिएट करते हैं, ये बस सवाल जवाब के लिए है मेरे, और भी इसमें काम हो सकते हैं, ये फोटो फोटो बटन के भी यूज कर सकते हैं, बटन वाले मोड लीजिए फोटो वाली, हां हर काम कर सकते हो। अच्छा ये क्लियर हो गया क्लैप्स, फोटो बढ़िया लग रही है, क्लैप्स इसमें लगी। अच्छा अब है क्लैप्सेबल लिस्ट ग्रुप, क्या बोल रहे हैं क्लैप्सेबल लिस्ट ग्रुप, इसके अंदर से पहले लिस्ट एक बना दी होगी हमने, ये देखो लिस्ट ग्रुप, लिस्ट ग्रुप आइटम जो आपने ऑलरेडी यहां पे पढ़ी हुई है, क्लियर है सर। पैनल ग्रुप बनाया क्लैप्स बनाया उसको और लिस्ट ग्रुप अंदर ऐड कर दी सिंपल, उसी की डाटा अकॉर्डिंग ये क्या लिखा हुआ है अकॉर्डिंग। अच्छा अभी जो हमने दो पैनल कॉपी किए थे कुछ याद आया, हां जी ये था ना दो पैनल कॉपी, दोबारा कहते थे यहाँ पे आता हूँ, ये एक पैनल आपको शो हो रहा है यहाँ तक है, चल रहे हैं ना अभी ये ओपन है, इसको भी ओपन कर लेता हूँ तो दोनों ओपन हो गए, जबकि इन दोनों में से किसी एक को ओपन होना चाहिए था, फाइबर आपने ये चीज नोट की, एक क्वेश्चन को ओपन करते हो बंद हो जाता है, इस तरह होगा वो ग्रुप आप क्रिएट करते हो उसको बोलते हैं अकॉर्डिंग, क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग। अब ये देखो यही चीज है, अब ये देखो अब आप क्या करोगे, सारे कॉन्सेप्ट पिछले क्लियर है ना अभी तक जो भी पढ़े हैं वही सारे कॉन्सेप्ट होंगे, जस्ट एक दो क्लासेस यहाँ पे ऐड होंगे। पैनल ग्रुप क्रिएट हो रहा है पढ़ा पीछे आपने, उसके अंदर ये इन्होंने एक आईडी दे दी है खुद से, क्या आईडी दी है अकॉर्डिंग, क्यों यूज कर रहे हैं देख लेते हैं इसका, बल ये आप नीचे देखो पैनल्स क्रिएट किए हैं, समझ लग गई। अभी यहाँ पे वो देख रहे हो क्या दे रहे हैं डाटा, किसको दे रहे हैं हेडिंग को, ये ए का टैग है जो कि पेज पैनल पैटर्न में लगे हुए हैं, पैनल हेडिंग में बोर्डर लगाया गया है जो ये वाला है, ये इस पर पेरेंट कौन सा ऐड किया गया है, ऐश अकॉर्डिंग, मतलब कि ये आईडी दे दिया पूरे पैनल को
पूरे पैनल को एक आईडी दे दी और वही वाला आईडी नीचे पास करेंगे, क्लियर है। अब जो कि डाटा पेरेंट डिफाइन हो चुका है, उसको पता है कि भी इसमें से मैंने किसको ओपन करना है, ये सारे आपस में लिंक हो चुके हैं कि तीनों एक ही पेरेंट के हैं ना, तो उनमें से भी एक ही आपके सामने आएगा। ठीक वो पेरेंट नहीं रहा। अब ये हो गया, जरूरी नहीं कि अकॉर्डियन ही ना रखे, अब कोलन भी कोई चीज रहा, बल्कि इधर अगर टू करते हो ना, इधर अगर टू करते हो फिर इधर भी टू कर दो, इधर भी टू कर दो, सेम होनी चाहिए ऐसी बात, डाटा पेरेंट सेम होना, सिर्फ जेडी हेडिंग नो तुसी देना बस, ठीक है इस तरह ही है, ठीक है समझ लगी चीज की, ये था अकॉर्डियन, क्लियर है। लास्ट एक कर लेते हैं टैब्स एंड पिंस, बाकी का हम जो है वो कल करेंगे इंशाल्लाह। टैब्स एंड पिंस, पिंस का मतलब क्या होता है? पुल होता है क्या इंजन आदि? पिल किसे बोलते हैं? पिल वो पिल नरम नरम जगह को ये जो दवाइयाँ हैं इनको आप बोलते हो पिल्स, ठीक है। तो अब आप इनकी शेप देख रहे हो, बस याद रखना। अभी चलते हैं यहाँ पे मेन्यूज, मेन्यूज क्रिएट करने के लिए टैब्स एंड पिल्स को यूज़ किया जाता है। पहली चीज़ ये मेन्यू वो वाली की मैं बात नहीं कर रहा, और तरह की बात कर रहा हूँ, पर देखो इनलाइन लिस्ट उन्होंने क्रिएट की है किस तरीके से, पहली की है लिख दिया है उसको क्लास के दी है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, कल आपको नेवबार में भी काम आएगी, ठीक है। इन्होंने एक यूएल डिफाइन किया, उसके अंदर ए टैग्स में डिफरेंट एलआई के अंदर ए टैग, उसके अंदर डिफरेंट आइटम्स रखी और इसको एक क्लास दे दी लिस्ट, इससे क्या हो रहा है एक लाइन में क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं टैब्स की, टैब्स होते हैं ये जो आप देख रहे हैं, अभी ये क्लिक नहीं हो रहा, अभी सिर्फ और सिर्फ ये जो आप फ्रंट पे देख रहे हो ना टैब्स, इस तरह का बनाना हो तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पिछला भी आपने पढ़ा, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, पिछला भी आपने पढ़ा उसमें था लिस्ट इन लाइन की सिर्फ क्लास दी थी, उससे क्या हुआ एक लाइन में आ गए, अब उन्होंने एक क्लास यहाँ पे दी है, ये देखो सुनो ध्यान से, इन लाइन लिस्ट अगर मैं देता हूँ ना कुछ इस तरह से, उल्टा लिख दिया ना, ये सारे एक लाइन में आ जाएंगे, लेकिन अब हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं नेव नेव टैब्स, जब जो वो वाला है ना जो क्लास है पिछली वो वाली लिंक इन लाइन वाली, उसकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो ऑलरेडी नेव की क्लास में नेव, जब आप दोगे किसी को भी नेव खाली नेव दो, यहाँ पे नेव टैब्स ख़त्म कर दो, खाली नेव की क्लास देता हूँ, रन पे क्लिक करता हूँ, अभी ये इस तरीके से आप देख रहे हो ये इफेक्ट अप्लाई हो गया, ठीक है। अब मैं देता हूँ नेव टैब्स की क्लास, एक तो लाइन में आ गई है, दूसरा ये यार देख रहे हो इस तरह से, इस पहली वाली जो एक्टिव है क्योंकि इसको हमने क्लास एक्टिव दी है, अगर मैं ख़त्म कर दूंगा तो ये सेम हो जाएगी वैसे, ठीक है। एक्टिव है तो उसके ऊपर तीनों साइड से बॉर्डर अप्लाई हो रहा है, जबकि बाकियों के ऊपर नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ पावर इफेक्ट आ रहा है। टैब्स वाली बात यूज़ क्यों किए जाते हैं पता, एक टैब के अंदर कोई और चीज़ रखनी है, दूसरे के अंदर कोई और चीज़ रखनी है, तीसरे में कोई और चीज़ रखनी है, एक ही पेज के ऊपर मल्टीपल चीज़ें रखनी है, डिफरेंट टैब्स में आगे उसके लिए यूज़ करते हैं। अभी देख रहे हो ये चीज़ अभी क्या हो रहा है, एक तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लग गई और एक ये कि डिफरेंट मेन्यूज को भी आप ओपन कर सकते हो, कैसे हो रहा है देख लेते हैं। मैं ड्रॉप डाउन का तो मुझे नहीं लगता इतना आपको समझाने की जरूरत है, आगे पढ़ते आए हो उन्हीं एलआईएस के बीच में उन्होंने ड्रॉप डाउन बना दिया। पहली चीज देखो नेव नेव टैब्स, अभी आपने पढ़ा एक्टिव की क्लास किस पे दी गई है, होम पे। अगर मैं यहाँ से इसको ख़त्म करके नीचे कोई क्लास मतलब किस पे दे देता हूँ, तो ये जो है मेन्यू टू एक्टिव हो जाएगी, ये एक्टिव की क्लास। अच्छा इसके बाद लिस्ट क्लास इक्वल्स टू ड्रॉप डाउन पढ़ी आगे आपने,
ड्रॉप डाउन टगल, लैडर टगल, ग्रो ड्रॉप डाउन, और ये सारा कुछ ऑलरेडी आप कर चुके हो, ठीक है। इस तरीके से क्या क्रिएट हो रही है, ड्रॉप डाउन। अच्छा मजे की बात, आपने जो चीज नोटिस की जब क्लिक कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, व्हाई क्यों हो रहा है ना, स्टाउन लग रहा है, सही कह रहा है। यहाँ पे इतने हैश का लिंक दिया हुआ है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर रहा। आगे चलते हैं इसमें, मूवेबल सिर्फ हैश दिख रहा है नॉन। ओके एक मिनट रुको, ये टैब्स विद ड्रॉप डाउन मेन्यू, हाँ ठीक है, टैब्स में लगी नहीं है जो मूव हो गए तो सिर्फ। नहीं एक चीज माइंड में रखो, एक चीज माइंड में रखो, अभी के लिए जो आपने पढ़ा उसमें जस्ट टू जस्ट अभी आपने यही पढ़ा है कि टैब्स को इस तरह बनाना कैसे है। हर टैब के अंदर डिफरेंट चीजें रखनी है, वो कैसे रखनी है उसका कोई नहीं पता, नहीं ना पता जी, इस तरह लिंक दे दांगे, एक मिसाल में लिंक भी छोड़ दो, कैसे देना, इसको क्लिक करने से एक नया पेज खुल जाए, नहीं ना नया पेज नहीं ना खुलना, नया पेज इसी पेज के अंदर बनाना है, पेज समझ लगी, अभी जितना चीजें याद रखनी है ना ये याद रख लो, इतना याद रख लो, क्योंकि पिल्स जो है उनका भी सेम काम है, दिखने में बस डिफरेंट है, बटन्स की तरह दिखती है ये, देखो जिस तरह बटन नहीं है ये डिफरेंट, काम इस पर भी वही होगा, इस पर क्लिक करने के ऊपर वो पेज, नहीं। अब आपको एक चीज़ याद है, अभी आपने जो ऊपर पढ़ा उसको अगर आप देखो दोबारा, उसमें आपने नेव नेव टैब्स यूज किया था, और यहाँ पे क्या है नेव नेव पिल्स, तो अगर मैं यहाँ पे इसको टैब्स कर दूँ तो वो डब्बे पर टैब्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर पिल्स करूँ तो पिल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, बटन्स टैब बन जाएगा। इसमें भी वो एक्टिव वगैरह वाली सारी क्लासेस, मैं नहीं बार बार बोल रहा। अच्छा एक यहाँ पे और क्लास है इसके अंदर ना पिल्स के अंदर, वो है नेव स्टैक, क्या है नेव स्टैक, इसमें क्या है 100% उनकी विड्थ हो गई है और ऊपर नीचे आ चुकी है इस तरह से, ठीक है, इसका भी आप यूज कर सकते हो। वर्टिकल पिल्स इन अ रो, मतलब कि अभी इन्होंने जब की तो आप देख रहे हो पूरे के पूरे पेज के ऊपर आ रही है, हमें इतनी बड़ी नहीं चाहिए, हमें छोटी करके साइड पे चाहिए, तब आप वो कॉल एमडीज का यूज करोगे, कॉल एमडी 333 इस तरह कुछ कर लिया, लास्ट पे एक और 3 बचा इसके अंदर हमने रख लिया ये वाली को, तो वो चूंकि आपको पता है जिस डिप के अंदर हो उसी की वो विड्थ के मुताबिक जो है 100% करती है, ठीक है। देखो कॉल एंड फ्री है उसके अंदर है, अगर मैं नेव स्टैक भी यहाँ से हटा देता हूँ इस तरह से आ गई, वो देख लेते हैं पहले ये समझ लो, इतनी चीजों की क्लियर हो गया, टैब्स का भी पता लग गया, मेरे पिंस पे एक कॉलम भी थ्री गए स्क्रीन से, ये तो वो पोर्शन देने के लिए ना किसी चीज को, वही तो किया है एक चार पोर्शंस बना दिए हैं, तीन 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 कितने हो गए, नौ और तीन बारह, और ये लास्ट वाला जो तीन है इधर इसको रख दिया। अच्छा जी आगे चलते हैं, फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू मैं नहीं बता रहा, आइडिया आपको इस चीज़ का, ये देखो ठीक है, उसी तरह से नेव जस्टिफाइड आप लिखोगे तो ये अपने आप को जस्टिफाई कर लेगा। अब जो है टैब्स भी पढ़ लिया आपने, पिंस भी पढ़ ली, अब हम देखने लगे हैं डायनामिक टैब्स या टगलेबल टैब्स, मतलब कि इस पे क्लिक करने पे कोई और डिव कैसे ओपन होएगी, जिसमें कि हां ये इसमें लाजमी नहीं, सुनो लाजमी नहीं कि इसमें, हां आईडी दोगे इसमें, पहली चीज ये है डाटा टारगेट पड़ा ना अभी उसी तरह से होगा। अच्छा देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि पैराग्राफ, इस डिव में आप कुछ भी बना सकते हो, फॉर्म हो सकता है आपका, कोई आपका कोई फोटो हो सकती है, आपने अक्सर फेसबुक वगैरह भी नोटिस किया होगा जब आप सेटिंग्स वाले पेज पे जाते हो तो वहां पे एक ही पेज के अंदर डिफरेंट टैब्स होते हैं, चेंज पासवर्ड फलाना ये करो वो करो, पर वो लोड नहीं होता, एक ही दफ़ा पेज लोड होता है फिर उसके बाद ये टैब्स एक ही पेज के ऊपर आ रहा है, ठीक है, कैसे है देख लेते। अच्छा सिंपली बाकी की सारी ऊपर वाली चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, नेव नेव टैब्स पहले आपने पढ़ लिया, एक्टिव का पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया यहाँ से, डाटा टगल एक न्यू ऐड किया गया और इसका नाम क्या रखा गया, और एचरेफ रखा गया जिसका आपने क्या दिया आईडी, अब वो होम वाली नीचे हमने एक डिप बनाई है, टैब कंटेंट की एक डिप है उसके अंदर होम वाली डिप भी आ रही है,
मेन्यू 1 वाली डिव भी आ रही है, मेन्यू 2 वाली डिव भी आ रही है, और मेन्यू 3 वाली डिव भी आ रही है। ऊपर सब पेज रेफ लगा है। अब होम पे क्लिक करने पे, इस पे होम पे क्लिक करने पे एच रेफ वाली कौन सी डिव ओपन होगी? होम वाली। मेन्यू पे क्लिक करने पे कौन सी डिव ओपन होगी? मेन्यू। अच्छा एक चीज़ है, टैब कंटेंट की डिप के अंदर इन सबको क्यों रखा गया? क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट शो ना हो, सिर्फ इसमें से एक्टिवली शो हो, वो चीज़ इस क्लास के थ्रू अप्लाई हो रही है। टैब कंटेंट फेड। अच्छा ये फेड की जो क्लास है या टैब पैन की क्लास है, थोड़ी बहुत स्टाइलिंग मार्जिन कटिंग ये वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है। बाकी अगर आप फेड की क्लास है ना, ये यूज हो रही है, ये देखो देख नहीं रहे इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। मैं इसको हटा के दिखा देता हूँ यार, मेन्यू वन से मैं हटा रहा हूँ इसको, तो मेन्यू वन। अब हम मेन्यू टू पे जाते हैं, देख रहे हैं, और मेन्यू वन पे आते हैं। बहुत तेजी से आ रहा है, ये देखो। नो नो मेन्यू टू स्मूथ आ रहा है मुझे लगता है। ज़रा फ़ॉन्ट है गड़ी में गड़ी में ये आप देखो जरा लगी ऐसे फील हो रहा कुछ और अब देखना जरा एनिमेशन लग गई है। एनिमेशन लग गई क्लियर है। पेड़ का इफेक्ट जो है वो अप्लाई हो जाएगा। टैप पैन से क्या मतलब? टैप पैन मतलब ये आप ऐसे ही लिखोगे क्लास, इससे स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है टैब के जो पैन है उसकी, ठीक है। ओके सर, टगलेबल डायनामिक पिल्स बताने की ज़रूरत नहीं है, सेम तरीके से काम करेंगी, जिस तरह टैब्स ने काम किया उसी तरह से पिल्स भी काम करेंगी। देना बस एच रेफ ही है और वो डाटा टगल इक्वल टू टैब्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे ये पिल्स हैं, यहाँ पे उन्होंने वेयर इट इज़ ये डाटा टगल इक्वल टू टैब्स की बजाय क्या दे दिया है? पिल। और एच रेफ में क्या दे दिया है? मेन्यू वन, होम, मेन्यू टू, मेन्यू थ्री, जस्ट लाइक टैब्स की तरह ही ये काम कर रही है, ठीक है। इसमें भी आप देखो। ओके सर, समय लगी। बाकी फिर हम इंशाल्लाह करते हैं कल इसमें नेबर का, फॉर्म्स का, इनपुट का सब कुछ ये कल करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।